मम्मी वो आप देख के क्यों गा रही थी? अरे वो इसलिए। हाय मम्मी, हाय बेन। हम ऐसे ही घर पे बैठे बैठे ना बोर हो रहे थे, एप्पल नहीं हो रहे थे, पाइनएप्पल भी नहीं हो रहे थे, तो सोचा कि सिटी लाइफ और तला में चला रहे हैं। तभी देखेंगे कि कैसी कैसी चीजें हैं। और अभी रमदान हर जगह चल रही है। लेने की मजा आता है। एक्चुअली वो ऑफर नहीं होती है, फिर भी ऐसा लगता है कि चलो ऑफर में ले। मम्मी मैं आपको चांद लेके दूं, आपके लिए चांद लेके दूं। ये मैं मम्मी के लिए लेने वाली हूं दोस्तों। चांद और सितारा हमारा उधर खड़ा हुआ है, तो ये चांद और एक सितारा, और घर पे सूरज और बाकी के सब जो नवग्रह है वो घर पे ही है। मैं बोल नहीं रही हूँ, मैं खाली आप लोगों को बता रही हूँ। मम्मी तुम्हारा माटे स्पेशल हम गेट खुली है, अंदर एंट्री का ही है ना। तो मम्मी इसमें बैठ जाओ, यहाँ पे आगे ना बहन बैठ जाएंगे, पीछे मैं बैठूंगी, ठीक है? इससे यस मम्मी लेके दूना टेडी बियर। बहन मैं आपको भी रोज लेके देती हूँ, बहुत पसंद है, देखिए बहुत मस्त रेट है। बेन तमने लाई दो फ्लावर्स? नहीं, मम्मी ने सोचा कि बेन को ना एक फ्लावर देते हैं, तो फिर अभी मम्मी मुझे ही ना बेन को दे देगी, क्योंकि मैं बहुत ही खिला खिला फ्लावर हूँ दोस्तों, हूँ ना मैं। क्या हुआ अभी, क्या चल रहा है? मैं खिला खिला फ्लावर हूँ, मस्त रेड पिंक ब्लू। अभी हम आ गए हैं शीन में, और यहाँ से हम करने वाले हैं कुछ शॉपिंग। देखते हैं शीन का एक स्पेशल सेक्शन है, तो मेरे दोस्त लोग देखेंगे ना, ये स्पेशली प्री और पॉल देखेंगे और निक्की देखेंगे, तो दे विल बी लाइक ओ माय गॉड। तो आ जाओ अजमान में मिलके शॉपिंग करते। और इतने मस्त आउटफिट है, ये देखिए कितना मस्त कलर है, ये भी बढ़िया कलर है। और ये देखिए मेरा फेवरेट व्हाइट कलर, सभी प्रिंट व्हाइट कलर की है। ओ वाह, ये कितना मस्त है, कितना मस्त ये मरून कलर है। 40 दिरहम। इट्स अमेजिंग। यहाँ पे सेल लगा हुआ था, तो हम आ गए और आगे भी देखते हैं कितनी बड़े बड़े चीजें, आपको भी दिखाते हैं। तो हमारा डगलो शॉपिंग ना हो गया है, बेन के पास अभी बैग है, तो अभी हम जा रहे हैं हमारी गाड़ी की तरफ और जाएंगे अभी घर। केम छो मित्र, देखो मेरे पीछे जो ये पेंटिंग है वो भी ब्लैक है, और मेरा टी शर्ट भी ब्लैक है, और मेरा टी शर्ट भी आज ब्लैक के नीचे भी ब्लैक है। बेन ने भी ब्लैक पहना हुआ है। एक्चुअली मेरा सवाल है, हाँ पूछ कौन रहा है? बता रहा हूँ दोस्तों, वैसे बाल भी ब्लैक है, वाह। थोड़े थोड़े एक दो बाल अभी व्हाइट होना शुरू हुए हैं दोस्तों, अभी मैं धीरे धीरे बुढ़ा हो रहा हूँ। और व्हाइट कार्ड हो ना, मतलब ये ना हो कि बुढ़ा हो यो, व्हाइट वाल हो मतलब तेजस्वी आदमी है ऐसा ना। यस, देखो बेन के तो बहुत सारे हैं। हां मैं बहुत तेजस्वी हूं, केम छो मित्र इज माय अंकल, मेरे अंकल है, मामा के मुंह की बात। यही मुझे बोलना था, 60 साल का बंदा आके मामा को बोलते भाई को, सॉरी वो उम्र के लोग आके भी मामा बोलते हैं इनको, मामा उनको दादाजी बोले कि क्या बोले ये पता नहीं चलता है, तो इसलिए हम अंकल ही रखेंगे। टीवी आज बंद क्यों है ये पता नहीं है, लेकिन ऑपरेटर लोग काम नहीं कर रहे हैं, वो हमारे ना PGVCL पश्चिम गुजरात बिज कंपनी, उसमें भी ऐसे कुछ है, अभी कम है। टीवी का क्या कनेक्शन है? वो उसमें ऐसा था पहले, अब तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन पहले जब वो काप होता था ना कि सोमवार को इतने दिन, नहीं दिन नहीं, सोमवार को इतने से 9 बजे से 1 बजे तक काप है, फिर ऐसे काप है, तो PGVCL में हम कंप्लेन करते थे, फोन ही नहीं उठाते थे कोई। अब तो सब सही हो गया, अब तो सब बेस्ट हो गया है। देखो ये लोग भी ऑपरेटरों को तू हमसे कंपेयर कर रहा है? हाँ वैसा ही है ऑपरेटर। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई मीन, शॉपिंग करके आ रहे लोग,
और मुझे लेके नहीं जा रहे, ना ही मुझे पता चल रहा है, वो कार्ड का मैसेज आता है पता चलता है स्वाइप हुआ है, वजन हो गया सोचे कम कर देते हैं। देखिए सब यहाँ खाने बैठे हैं, डैडी ये खाई ली तो लगे पिताजी ने आजकल हम लोग को छोड़ दिया है खाने में, वो ऐसा नहीं है वो पहले खा लेते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा ड्यूटी हो रही है आजकल, इसमें वो लगा ना मास्टर क्लास। चलिए मास्टर क्लास में उसने क्या किया, वो वैक्स आता है ना वो डाल के गुल्फी बना दी। अरे इससे तो मेरा जयदीप गोला सेंटर बढ़िया गुल्फी बनाता, मस्ती कर रहा हूँ। मिशेलिन स्टार है वो लोग, हम लोग तो मिशेलिन का मह भी नहीं है, बट यार थी तो गुल्फी ना वो कुल्फी नहीं हमारे पास मिशेलिन का चॉकलेट में डीप करके उसके पान बनाया, एक दो उसमें गुलकंद लगा दिया क्या यार। वो आज मैंने एक रील देखा था, बोला चटनी को इधर एक साइड में रखा तो बोले 300 रुपए, चटनी को थोड़ा ऐसा चम्मच मार दिया बोले 600 रुपए, और चम्मच मारने के बाद दो तीन और डॉट बोले तो 1500 मिशेलिन स्टार। मस्ती कर रहा हूँ, वो लोग का लेवल अलग होता है। लेकिन एक और मेरे पास है, जो उसने वो रणवीर ने वो कांदा भजिया का वो नहीं बनाया था, वो पट्टी बनाया था उसने ऐसा स्क्वायर मार के ऐसा पट्टी, उसी पट्टी से इंस्पायर होके उस भाई ने फाइनल में कोट पहन लिया। कांदा भजिया से इंस्पायर्ड उसने कोट पहन लिया था, वो लोग देख लेंगे तो बोलेंगे भाई तू तेरे को कुछ पता चलता नहीं है तू बोल बोल करता है। हाँ बोलो, हमारे पास जो अपना भी मिशेलिन स्टार का बोला ना तो हमारे पास वो माँ तो है ही, इधर बैठा हुआ है वो माँ। अरे तो मिशेलिन स्टार को पीछे छोड़ दे, ऐसा रेस लगाए ना दो लोग, देखो ये मिशेलिन स्टार नहीं मून है, मून मिशेलिन स्टार। तो अभी बहुत अच्छा मेनू है, ओवर ईटिंग होने वाला है, देखते हैं हम। देखे ये हो गया केरी का रस, सुपर स्पाइसी पोटैटो सब्जी, और यहाँ है पूरी, और ये फरफर, और उसमें थोड़ी रोटी है, और खाली प्लेटें हैं, मिर्ची मिर्ची फ्राइड मिर्ची। कितनी सारी, इतनी सारी क्यों बनाई? अरे बाकी इतनी सारी इसलिए बनाई क्योंकि ये इसमें से भी बचने वाली है। इसमें से क्या है कि जो बड़ी वाली है ना ये मामा की, छोटी वाली मेरी, और मम्मी की, वो बंगाली मिर्ची है, वो इतना भी खाएंगे ना तो ऐसे भूत जो लोग जैसे वो ऐसे। और मेरा एक क्वेश्चन है कि ये जो हम बनाते हैं ना वेफर, उसको ऐसे फर फर क्यों बोलते हैं? वो फर फर बोलते हैं, देख कुछ चीजों को सवाल नहीं किए, इतिहास से चलता आ रहा है। ऐसे ऐसे फर फर के बनाते होंगे ना इसलिए इसको ऐसे फर बोलते होंगे। एक कमेंट आई थी तो खाना दिखा रहे थे, तो उसमें भाई साहब थे नहीं कोई, बोले आज खाने में स्पाइसी चने की दाल नहीं है। वाह, तो थैंक यू, अभी बनाएंगे चने की दाल और केरला पराठा। फिलहाल दोस्तों ये खाली प्लेटें भरने का टाइम आ गया है। Yeah.
मम्मी वो आप देख के क्यों गा रही थी? वो इसलिए कि कृष्णा अवनी और मैं तीनों भाई भी साथ में था, सबका अलग अलग वो ना हो जाए ना, इसीलिए लिख के रखा। वैसा था रीजन देता हूँ। हाँ दो, ये जो है ना भगवान का लग्न गीत बोलते हैं, तो उसमें अलग अलग जगह पे विस्तार पे अलग अलग शब्द प्रयोजन होता है। कोई जगह पे बराड़ी में जाओ, बरड़ा में जाओ, गुजरात में जाओ, सौराष्ट्र का कोई झालावाड़ में जाओ, तो यही लग्न गीत में एक आध दो शब्द का फर्क होता है। कोई जगह जादव होता है, कोई जगह माधव होता है, और कोई जगह मोहन भी होता है, तो कृष्ण भगवान। तो इसके लिए लिख के रखा था ताकि सबका लिप सिंक एक ही रहे। Yes, लेकिन गाया बढ़िया, तो पता है। हाँ इसलिए मैं मम्मी देख के नहीं गाती है कभी, तो मैंने इसलिए ये ऐसा डाल दिया कि क्या हो गया भाई, लेवल डाउन नहीं होना चाहिए। अपने माधवपुर उधर, हाँ जी हाँ जी, उधर वो कृष्ण विवाह रानी रुक्मणी जी के साथ 5-6 दिन मेला भी चलता है। आजकल तो वो महोत्सव बन गया है, वो ग्लोबल बनने जा रहा है। बोलो माधव राय जी की जय। नहीं है, है। नहीं लिया इसलिए। तो दोस्तों काफी दिन से मम्मी ने ना कुछ ऐसा प्रदर्शन नहीं किया था अच्छा, तो फिर मैं बोला आज तो आप ही की बारी है, तो फिर वो कर दिया। तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमने खाना भी इधर ही रखा है, कुछ उठाया नहीं है। डैडी ने बोला था कि माधव राय का विवाह चल रहा है, तो तू तेरे मुंह से क्यों नहीं गा सकते? गाना चाहिए ना भगवान का लगन। मैंने बोला था मैं गाऊंगा तो आपको कोई पूछेगा नहीं, फिर तो फिर मैंने नहीं गया। इन लोग को मौका दे, मस्ती थी दोस्तों। तो फिर अभी है ना मस्त बैठे हैं ना सब। तो अभी दोस्तों आप लोग कैसे हो, कैसा दिन गया ये बता देना आप कमेंट में। सब नहीं बताते, एक दो लोग ही बताते। आप बताओ ना कैसा गया, बुरा गया तो बुरा बताओ, अच्छा गया तो अच्छा बताओ। आशा करेंगे कि किसी का बुरा ना जाए। हाँ तो फिर दोस्तों अभी सो जाते हैं। आज के लिए इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मौज लीजिए। कमेंट वगैरह रख जाओ वाले डाउन। बाकी तुम्हें चूले नहीं बता ने चूले जासो मित्रों। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय हिंद। एम नहीं ए है।